रोजाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 18 अप्रैल 2021 रविवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्य महाराज की कृपा से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। आज रविवार का दिन है और आज के दिन सूर्य महाराज को सच्चे मन से पुकारने से आपकी मन की मुरादें जरूर पूर्ण होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय सूर्य महाराज लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्ट को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्हें वीडियो के अंत में बहुत अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज दिन रविवार का रहेगा, महीना जो है वो चैत्र का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 10:35 तक चलेगा और इसके आगे शुक्ल पक्ष की सप्तमी नामक तिथि जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 2:34 से लेकर ठीक अगले दिन के सुबह के 5:02 तक चलेगा और इसके आगे पुनर्वशु नामक नक्षत्र जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो अति गंड नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक शाम के 7:55 तक चलेगा और इसके आगे शुभकर्मा नामक योग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है रहेगा ठीक सुबह के 6:07 पर और सूर्यास्त का जो समय है उसका टाइमिंग रहने वाला है शाम के 6:45 पर और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 10:14 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक रात्रि के 12:17 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा, अर्थात आज का शुभ समय दोपहर 12 बजे से लेकर ठीक 12:51 तक चलेगा। अब बात करते हैं आज का अशुभ समय, शाम के 5:10 से लेकर ठीक 6:45 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि कोई दो कौड़ी के लोग भी आपके जिंदगी से खेल कर चला जाए। आप अपनी जिंदगी की तुलना अन्य लोगों के साथ मत करो। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कोई अगर आपके अच्छे कार्य करने पर संदेह करता है तो करने दे, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। इसी के साथ जानते हैं आज का कर्क राशि फल और पूरे दिन की घटनाओं की जानकारी। कर्क राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं आज आपके सितारे, तो चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे कर्क राशि का दैनिक राशि फल। आप इस वक्त अलौकिक घटनाओं से प्रभावित होंगे। आज आप अपना दिन किसी भी रहस्यमयी मुद्दे की खोजबीन में बिताना चाहेंगे और कोई रहस्यमयी फिल्म या उपन्यास देख या पढ़ सकते हैं। आप किसी रहस्यमयी पर से पर्दा उठाने का फैसला भी ले सकते हैं या किसी स्थिति या व्यक्ति के बारे में भी अधिक जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको यह सब बात करते हुए सावधान रहना होगा। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो अपने घर से जुड़े किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। आप अपने घर को बदलने के मौके मिल सकते हैं या आप एक घर खरीदने की अपनी योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप अपने घर पर या घर के किसी हिस्से को रिमॉडलिंग की योजना बना रहे हैं तो इस योजना को अमली जमा पहनाने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। अगर आपके प्यार और संबंध की बात की जाए तो आज आप कोई नया दोस्त या परिचित बन सकता है जिससे आपको प्यार से गहरे अर्थ का पता चलेगा और आप सच्चे बनावटी प्यार के
अंतर समझ पाएंगे। इन सारी चीजों से आपको अपने लिए सही व्यक्ति का चुनाव करने में भी मदद मिलेगी। आज मिलने वाले हर व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करेंगे, जिससे आपका दिन आसानी से और मजे से कट जाएगा। करियर और धन के मामले में अगर बात की जाए तो आप उन लोगों के जीवन में एक तर्क लाने एवं उनकी सहायता का भाव रहेगा। आप धर्मार्थ कार्य में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि आपका समय और प्रतिबद्धता को छीन सकता है। आपको ये निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ कार्यों में जुड़े रहकर कुछ करना चाहती हैं, जिससे आपके वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े, या वापस अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर धन की वृद्धि करना चाहती हैं। इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं और अपने धैर्य के साथ काम करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस जानकारियों से सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सूर्य महाराज जरूर लिख दें। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो।